खबर टोंक से है, जहां जनाना अस्पताल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां भर्ती 50 से अधिक प्रसूताएं भोजन की प्रतीक्षा में रात भर भूख से तड़पती रही, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। कर्फ्यू के दौरान यहां जिला प्रशासन की ओर से रसोई की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को रात के भोजन का इंतजाम किया गया था। हालांकि सुबह के भोजन की व्यवस्था टोंक सांसद सुखबीर सिंह की ओर से की जाती है, लेकिन जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था बंद कर दी, जिसकी सूचना भी यहां भर्ती मरीजों को नहीं दी गई। जब देर रात तक भोजन नहीं पहुंचा तो यहां भर्ती प्रसूताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अड़तालीस घंटे बाद अब टोंक सदर अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। पहले जिला प्रशासन द्वारा यहाँ खाने पीने का सामान दिया जाता था और यहीं रसोई लगाई जाती थी, और जो यहाँ जो भर्ती मरीज है और उनके परिवारों को ये खाना वितरण किया जाता था, लेकिन अब दो दिन से यहाँ खाना नहीं मिल रहा है। इसको लेकर मरीजों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पर ज़िले के बहुत से ऐसे मरीज आज भर्ती हैं जो जिनको खाना नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। हम जानते हैं ऐसे कई मरीज है। क्या नाम? रीना। आप क्या परेशानी है, किस तरीके? आप सुबह सुबह खाने के लिए क्या देते तो हमें ना भाई मंगा लेते, फिर शाम का भी नहीं किया कोई। अब रोटी नहीं है, दो दिन हो गए। कब से भर्ती हो तुम? मैं 17 दिन हो गए आज। हमें दूर दूर से आएड़ा था, अब ये बसियाँ मर से पब्लिक कहाँ करा में। अब मान सुबह भी कह देता बर यहाँ दलिया दूध दलिया देर गया, जिद कह देता 5 बजे तो मैं उठा सुको डिश करता खाना दाना। अब मैं कहाँ करा? अब मैं तो 20-20 को सुहात्र आएड़ा था, मान कोडाऊँ जावा मैं, अब कोड जावा मैं, अब खब अब रात है, अब कोड जावा मैं खब अब ट्रेन तो आयो है कौन, मान भूत भाई ना आया, डॉक्टर नर्स भी कोई ना आया, अब भाई खाना आई कोई तो ये कोई सोचना नहीं है। और हमारे दूर से बहुत दूर से आए है, और हमारे बच्चे बच्ची परेशानी हो रही है, रोटी कोई खाना नहीं मिल रहा। कौन से गांव से आई है? अब मालपुरा से आया। तो ये थे हमारे ज़िले के बहुत सारे जो मरीज यहाँ सादत हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको खाने पीने को लेकर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर पहले से अवगत नहीं कराया गया, इसके चलते ये लोग यहाँ पर भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। ऐसे ही यहीं ये तो एक वार्ड का नज़ारा है, इसके चलते कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी महिलाएँ जहाँ भर्ती हैं उनके मरीज़ परेशान हो रहे हैं, उनके साथ आए परिजन भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शाम को 6 बजे बाद यहाँ पर कर्फ्यू लागू हो जाता है। केवल 11 घंटे की प्रशासन द्वारा यहाँ छूट दी गई है। टोंक से फिरोज उस्मानी A1 TV।